प्लीज गेव एन एनर्जेटेन बॉम वेलकम टू दॉन एंड ओनली रिचा अनुरोध प्लीज वैट ये इनका YouTube के ऊपर एक बहुत ही पॉपुलर शो है जिंदगी विद रिचा के नाम से और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आज से आई थिंक बारह तेरह साल पहले मैं आया था आपके शो में। दो नौ 2009 में मैं इनके शो में गया था जिंदगी लाइव के नाम से इनका एक शो था <laughs> इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पूरी आपकी जर्नी है अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं मेरे को कि शुरुआत कहां से हुई और कहां से आपके अंदर ये इंस्पिरेशन आई कि जर्नलिज्म में रहने के बावजूद भी मुझे कुछ पॉजिटिव करना है। 2002 आ गया, मेरी में. और जिंदगी लाइव नहीं आता तो शायद मैं जर्नलिज्म छोड़ के भाग जाती क्योंकि 2006 तक आते, आते मैं फ्रस्ट्रेट भी होने लगी थी कि हम... क्यों? उसके पीछे क्या रीजन है <laughs> थोड़ा बताइए ना मतलब मजा आएगा अंदर की बातें मतलब लोगों को पता होनी चाहिए जर्नलिज्म से थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी मेरे था। curiosity आ रही है कि ऐसा क्या था हाँ, दो हाँ, किसी किसी हाँ, में जब न्यूज पढ़नी शुरू की तो वी वो नॉट एक्टली लाइक दूरदर्शन थोड़े से एकदम स्ट्रेट फेस न्यूज नहीं पढ़ते थे आज ये हुआ भारत जीत गया लेकिन जितना आजकल चिल्ला रहे वो पिछच हमारी कभी नहीं थी अब तो ऐसा लगता है जैसे मोन्टाज खत्म होता है said, सब मेरे बट ऐसा तो लगता है वो कह रहे हैं नमस्कार मैं हूं ये और अब मैं आपको गोली मार दूंगा <laughs> लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हम वो गुनहगार हैं जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी हमारे टाइम पे वो सांप बिच्छू वाली स्टोरीज नहीं चलती थी यहाँ बिच्छू और या फिर प्रिंस गड्ढे में गिरा है वाली स्टोरी सबको याद होगी ना <laughs> वो शुरुआत ये इस तरह से कि एक खबर पे 24 घंटे तर... uh, बच्चा गड्ढे में गिरा है उसके रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे है अब कैलाश खेर से मैं क्या पूछू इसे मैं <laughs> तो मैं इशारा कर रही हूँ कि क्या पूछू नहीं, नहीं, नहीं गाना गवाओ गाना क्योंकि अब टाइम पास करना है आपके पास कुछ मैं कह रही हूँ कैलाश जी आपको पता है वो कह रहे हैं जी जी मैं कहा कैलाश जी कुछ गा दीजिए बच्चे के लिए <laughs> आप समझ अब इस ट्रेजेडी में कॉमेडी हो रही है टोटल और एंड आई हैव टू मेंटेन है और उन्होंने गाया टूटा टूटा एक परिंदा है <laughs>

कि मैं नहीं कर सकती अब ये जहाँ आपकी ब्रीफिंग ही सिर्फ ये है कि आपको दो गेस्ट को लड़वाना है दो को या चार को सोल्यूशन नहीं निकालना है उन गेस्ट को आपस में लड़ना चाहिए और तो तो किसी तरह से भड़काना है भड़काना है हाँ। एक बार तो कुछ हुआ मैंने कहा मैम ये क्या हाँ। कर दिया आपने मैंने कहा क्या कर दिया कितना अच्छा से बात हो गई सुलह सुलह थोड़ी करानी थी

तो मुझे बड़ा अच्छा अच्छा एक और फनी चीज़ बताऊँ कहीं जाऊँ एक बार एयरपोर्ट पे हुआ कुछ मेरे सामान का कुछ हुआ तो वो सी एस एफ वाले का है मैं तो देखे कहते हैं है। मैडम आप तो वही हो ना जो बहुत रुलाती है टीवी पे <laughs> अब ना ये मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलता है अब आप मुझे बताइए इसमें मैं इसको एज कॉम्प्लीमेंट लूँगी जी सर थैंक यू नहीं तो मैं कई बार लोगों को सॉरी बोल देती हूँ कि जी मैं वही हूँ आई एम सॉरी क्योंकि आप मतलब पीपल थिंक वो मुझे कॉम्प्लीमेंट करके मैम आपने बहुत रुलाया है मे, मेरे लिए धर्म संकट है कि मैं इसको अच्छे से लूँ या बुरे में लू कि बहुत रुलाया है मैंने लोगों को बट ऑन अ सीरियस नोट अच्छी बात ये लगती है कि हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स उस जमाने में छुए हमने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के बारे में बात की जस्ट जब मैं ये कह रही हूँ कि मुझे लगने लगा था कि हम सोसाइटी के रियल इश्यूज़ पर तो बात ही नहीं कर रहे वो हम आज भी नहीं कर रहे वो टी आज भी नहीं कर रहा आज भी सिर्फ आप लड़ाई कर रहे हैं कुछ आपके पास सेट मुद्दे हैं जिस पर इन लोगों को लड़वा दो कौन बात कर रहा है कि देश में एसिड अटैक्स हो रहे हैं लड़कियों पर या किसी पर भी इवन लड़कों पर भी हो जाते हैं उस जमाने में 2007 में जब मैंने होमोसेक्सुअलिटी पे बात की थी ना संदीप मैं भी बहुत कंफर्टेबल नहीं थी पहली बार वो एपिसोड किया I know, I know. हमने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर जब बात की तो आई थिंक प्रॉब्ली वो हिंदी टेलीविजन पर चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज के सर्वाइवर से बात करने वाला पहला टीवी शो था तो उस चीज का एक सेटिस्फैक्शन होता था मोटिवेशनल तो बहुत किए गरीब घरों के बच्चे जो आई बन गए या आईआईटी में चले गए डॉक्टर्स बन गए वो तो गोविंद जायसवाल आज भी लोगों को याद है आज भी आप सोचिए 2007 का एपिसोड है वो पंद्रह वो रिक्शे वाले के बेटे हैं बनारस में उनके पापा रिक्शा चलाते थे और वो आई बने थे अच्छा उस साल एक में तो गोविंद जायसवाल आए थे फिर एक में कुलदीप चहल इंद्रजीत महाता वो सब आई ऑफिसर्स हैं इस समय कहीं कहीं एस हैं और कोई बिल्कुल बहुत गरीब मजदूर का बेटा था तो क्या होता है मुझे आज तक लोग ये कहते हैं अब तो मुझे ब्यूरोक्रेट्स मिलते हैं जो ये कहते हैं कि जब हम पढ़ रहे थे और हमें जब हम हो जाते थे तो हम ये देखते थे अरे जिंदगी लाइफ में अगर ये लड़का कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं तो एक वो मोटिवेशनल तो पार्ट भी किया और एक सोशल अवेयरनेस अबाउट एसिड अटैक चाइल्ड सेक्शुअल होमो सेक्शुअलिटी ये सब भी हमने बहुत काम किया काफी ऐसे शोज होते थे जहाँ पे आपकी आंखों से आंसू गिरते थे हाँ। आप रोते थे तो क्या वो एक्चुअल था हाँ हाँ बिल्कुल मतलब नहीं मतलब हमें सीरियसली हमें मैं, मैं मतलब पूछ रहा हूँ सीरियस नोट मतलब, क्या होता था? मतलब आप हो जाते थे, मतलब उस कॉन्वर्सेशन में या उनकी स्टोरी में हाँ, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है एज एन इंटरव्यूअर आप तभी इंटरव्यू कर सकते हो जब आप ये महसूस कर पाओ इनफैक्ट कई बार ये मेरे लिए ना ट्रॉमेटिक भी हुआ है अच्छा। कि मैं कई बार उन गेस्ट को बहुत बहुत दिन भूल नहीं पाती थी बहुत सारे गेस्ट के साथ हम लोग लगातार टच में भी रहते थे तो बस वही अगर कोई मेरे सामने कोई मदर बैठी है तो मैं ये सोच अपने आप को एज अ मदर की भाई मेरी भी एक बेटी है ये हो सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत डिटैच होके ना कभी जर्नलिज्म कर नहीं सकते देखा है कोई किसी के साथ में कुछ हो रहा है उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा न्यूज से पड़ी मूवीज में भी देखा है जिस तरह से दिखाते हाँ, हैं और एक्चुअल में रिपोर्टिंग में भी हमने देखा है मेरे साथ तो आपके साथ ऐसा नहीं होता नहीं, था नहीं नहीं मतलब fact, आप जब न्यूज़ भी, भी पढ़ती थी तब भी नहीं होता था शायद इसीलिए कहते हैं ना यूनिवर्स में आप जो एनर्जी दो वही आप अट्रैक्ट करते हो मैं एज अ जब एंकर थी ना तो मुझे कई बार कह दिया जाता था अरे हो, बिल्कुल फ्लैट होके पड़ जाओ खबर जब आरुषि मर्डर केस हुआ था या निठारी कांड हुआ था उस जमाने में मतलब मैं कई बार कैमरा से मुझे हटाना पड़ता था तो मैं कहती थी जर्नलिज्म तो है ना मैं अपनी इंसानियत कैसे भूल जाऊँ मेरी भी एक छोटी बेटी है मैं ये देख रही हूँ क्या हो रहा है आपको बताऊं लेकिन अपन जिंदगी लाइफ की बात कर रहे थे ना तो वो छोटी सी बात ही छूट गई मैं कहीं घूम रही थी तो एक ऐसे यंग लड़के आए मेरे पास मुझसे आपने जिंदगी लाइफ क्यों बंद कर दिया तो मैंने कहा वो तो बंद हो गया फिर मैं अच्छा मैं पे शो तो देखोगे तो बोलते है, अभी भी मैम क्लिप्स जो यूट्यूब पर डली हैं हमने कभी डाली नहीं चैनल डालते नहीं थे जमाने अभी भी वहीं देखते हैं तो आप शो बनाओ सो समी टू स्टार्ट अठारह में शुरू किया ना तो सत्रह अच्छा। के एंड एंड तक आके मुझे वो वाइव्स मिलने लगी थी कि आप शो वापस लाइए वापस लाइए तो हमने जिंदगी लाइव नहीं लाए क्योंकि मुझे लगा कल को नाम का कॉपीराइट का इशू ना हो जाए और आप बिलीव करेंगे जो टीम आई बीन सेवन मेरे साथ काम करती थी मैंने सबसे कहा भाई अब लोग कह रहे हैं ला सकते हैं कि रिस्क ली जाए पैसे वैसे नहीं है मेरे सब कॉलीग्स ने कहा पैसों की चिंता नहीं करो वी विल हम सब कहीं कहीं नौकरियां कर रहे हैं ठीक है लेकिन उससे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा आपका शो बनाओगी हमें वो वाला सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि अच्छा काम करने वाला पहला सीजन मेरी किसी टीम मेंबर ने मुझसे पैसे नहीं लिए किसी ने नहीं एडिटर कैमरा पर्सन किसी ने नहीं क्या बात है। हमने पहला सीजन फ्री में ऐसे ही बनाया ये दिखाता है कि आप सिर्फ अच्छे इंसान दिखते नहीं है कैमरे के सामने आप एक्चुअल में भी अच्छे इंसान हैं तभी इतने सारे लोग आपके साथ आकर के खड़े हुए नहीं तो आज के जमाने में कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होता है नहीं मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों ने पैसे कमाए होंगे मैंने रिश्ते कमाए ये तो है क्या बात हेलो मैम हेलो सर हेलो मैम पहले तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो और आपको देख के एक एनर्जी फील हो रही है सच में और वुमेंस so के लिए आप एक इंस्पिरेशन लग रहे हो सर so और मैम मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इस एज में भी खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए और मोटिवेटेड रखने के लिए मतलब आप क्या करते हो दो तीन चीज़ें हैं मेरा एक तो ना मेरी सबसे बड़ा टॉनिक मेरा काम है इनफैक्ट मैं आज ही अपनी टीम को बोल रही थी कि अब क्या हुआ कल मैं गुजरात में थी मतलब परसों में रन वाली साइड गुजरात में भी बिल्कुल भूज अंजार साइड वहाँ शूट कर रही थी अपने शो के लिए आ, नहीं एक और, एक डॉक्यूमेंट्री के लिए कल रात साढ़े दस बे मैं घर पहुंची हूँ साढ़े दस ग्यारह की फ्लाइट लेट हो गई आज सुबह मैं यहाँ आ गई परसों में अयोध्या और उसके बाद वाराणसी में लगातार ट्रैवल कर रही होंगी मतलब अगले पंद्रह दिन आई एम ट्रैवलिंग तो मैं यही बोल रही थी कि चलो कोविड का वर्क फ्रॉम होम अब खत्म हुआ अब ट्रैवलिंग शुरू हो गई तो काम जब करती हूँ ना तो एनर्जी रहती है मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता है दूसरा एक चीज़ मैं हमें मैं सोच के भी आई थी कि जरूर बोलूँगी आप सब यंगस्टर्स को आप में से कितने लोग हैं जो कोई भी अपना मतलब प्रोफेशन के साथ कोई एक पैशन परस्यू कर रहे हैं चाहे पेंटिंग करते हों चाहे गाते हों चाहे डांस करते हों मेरे लिए म्यूजिक एक बहुत बड़ा टॉनिक है तो हमारे यहाँ मजाक होता है कि बारिश हो तो रही है तो इन्हें गाने सुनने ये दुखी हैं तो इन्हें गाने सुनने ये सुखी खुश हैं तो इन्हें गाने सुनने कोई भी एक चीज आपकी लाइफ में अगर अपना पैशन है ना कुछ अगर बचपन में कुछ करते थे उसको छोड़ना नहीं चाहिए तो वो मुझे लगता है म्यूजिक मुझे बहुत एनर्जी देता है व्हेनेवर आई एम लो आई ट्राई एंड लिसन टू म्यूजिक किस तरह के गाने सुनते आप सब तरह के डिपेंडिंग ऑन माय मूड बारिश अभी तो दो दिन से तो वो प्लेलिस्ट ही हमारी जब, जब बारिश आती तो है तो खैर मैं थी नहीं कल रात से वो शुरू हो गया मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट एक नीरज आर्या का पंचरंग पता नहीं कितने लोगों ने सुना है मतकर माया को कोएंगा मुझे स्पिरिचुअल सूफी ये सब ज्यादा अच्छा लगता है आ, एक और चीज जो आज की जनरेशन के इसके लिए मुझे थोड़ा दुख होता है कि जो मिस आउट कर रहे हैं आप लोग क्लासिकल म्यूजिक मुझे नहीं लगता हिंदुस्तानी क्लासिकल बहुत लोग सुनते हैं वो मुझे मैं सुनता हूँ सुनता हूँ थैंक यू तो मैंने अपनी बेटी को इनफैक्ट बहुत बचपन से इसलिए शास्त्रीय संगीत सिखाया था कि मुझे लगता है इस जनरेशन में नहीं तो खत्म हो जाएगा हमारे आप गाते भी हैं मैं नहीं मेरी बेटी गाती है शी इज़ अ क्लासिकल वोकलिस्ट उसने शुभा मुदगल जी से भी सीखा इतना तो आ, कुछ एक चीज़ मुझे लगता है कि संगीत और जो संगीत हम आजकल सुन रहे हैं वो नहीं एक्चुअली कभी कोशिश कीजिए चाहे अपने आप को सिर्फ एक दवाई की तरह ना फोर्स कीजिए पंडित रविशंकर का सितार बिस्मिल्ला खान साहब की शहनाई कोई हरी जी की बाँसुरी इतना यूट्यूब देखते हो ना दिन भर डिसाइड कर लो सोने से पहले मैं आपको सही बता रही हूँ मैं उन रैपर्स के नाम नहीं लूँगी या कुछ भी नहीं मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही बट आप उनको भी सुनो बट मैं कहती हूँ उसमें इतना सा अपना भी डाल लो यार खत्म हो जाएगा नहीं तो अपना संगीत सुनने वाले नहीं होंगे अगर है ना तो सोने से पहले पांच मिनट ये भी एक मेडिटेशन है आप हरी जी की बांसुरी कभी सुन के देखो ना पांच मिनट में नींद आ जाए ना आपको मेरी गारंटी लेकिन हमने उस संगीत को कभी वैल्यू नहीं दी जिसके लिए विदेशी पागल हो रहे हैं विदेशों में कॉन्सर्ट देखो हमारे क्लासिकल म्यूजिशंस के हमने छोड़ दिया उसको लाइफ में कुछ अपने एंकर्स हमेशा फिक्स रखने चाहिए काम की भागदौड़ में फैमिली इज इम्पॉर्टेंट कोई आपके कनेक्शंस कोई आपके फ्रेंड्स इतना मत दुनिया के उसमें बिल्कुल, सोशल मीडिया हमने इतना ज्यादा कर दिया कि हर समय हम फोन भरें भी वो कुछ कुछ चीज़ें uh, मेरे लिए आई एम ए अर्ली राइजर जो कि अगेन आप लोगों की जनरेशन के लिए तो शायद दस बजे अर्ली मॉर्निंग होता होगा मैं सुबह पाँच बजे उठती हूँ मैम आपने अनु कुमारी मैम का इंटरव्यू लिया है तो मैम मेरा भी सपना है मैं भी प्रेपरेशन कर रही हूँ आई ए एस आप मेरा इंटरव्यू लो क्या बात है तो मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ जैसे मैम लड़कियों के लिए होता है ज़्यादा बोलती हैं तो कितना बोलती है तो आप तो जर्नलिस्ट हो <laughs> तो मैम ऐसा होता है कि अगर ऐसी फील्ड है बोलना पड़ता है जाना पड़ता है तो आपके भी ऑब्स्टेकल्स आए होंगे बहुत आपको भी लोग ऐसे बोला करते थे देखो फैमिली में ना मैंने एक बार एक मेडिटेशन कैंप में बड़ी अच्छी चीज़ सीखी थी कि ये करना घर जाके सब लोग एक्सरसाइज हो सकता है आपने कहीं सिखाई भी हो एक डॉट बनाइए जो आप हैं उसके बाद सर्कल्स बनाते जाइए बाहर तो इमीजिएट आपके बाद वाले सर्कल में फैमिली कौन ठीक है तो वो अगर मेरी मदर या मेरी नियर एंड डियर वंस हैं, उन सबको तो पता है बहुत बोलती है कोई बात नहीं दे ऑल फाइन विथ इट उसके बाद रिश्तेदार क्या बोलते हैं उनकी ना एक लेवल के बाद चिंता करनी बंद करनी पड़ेगी मैं बहुत छोटी थी तब से थोड़ी क्रांतिकारी रही हूं तो हम तो बहुत करते थे सब मतलब हमारी बुआ लोग कहती थी दादा की नाक कटा देगी लड़की <laughs> क्योंकि मैं ना किसी बात पे भी कहती थी लड़का ऐसे करेगा तो मैं ऐसे कर दूंगी जब बच्चे थे मतलब नाइन टेंथ में रहे होंगे एक बार मैंने अपने पापा से कहा कि अगर आपने ऐसे किया ना कि लड़के वाले आ रहे हैं जो बेटा चाय लेके आओ तो मैं उनके ऊपर चाय गिरा दूंगी <laughs> फिर मैंने एक बार अपने फादर से कहा अगर आपने दहेज दिया मेरी शादी में तो मैं शादी नहीं करूंगी तो आई वॉज कंसिडर्ड रेबेल सिंस चाइल्ड हुड तो सबसे ज्यादा टेंशन मेरी बुआओं को रहता था कि ये हमारे भाई की नाक कटाएगी एक दिन सोसाइटी में बड़े होकर थैंकफुली वो नहीं हुआ तो ज्यादा चिंता सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग तो मैंने बहुत ज्यादा चिंता ना कभी सीरियसली की नहीं लोगों की कि कोई क्या कह रहा है आई हैव टू लिव माई लाइफ माई वे मैं जो बोल रही हूँ जिसको सुनना अच्छा लग रहा है सुन ले नहीं सुन मैं तो कई बार ट्विटर पर लिख देती हूँ लोगों को भाई नहीं पसंद आ रहा तो अनफॉलो करो मुझे मैं कहने तो आई नहीं थी कि फॉलो करो ना मैं फॉलोअर्स के चक्कर में पढ़ती हूँ सो so, ज़्यादा चिंता कभी नहीं करनी चाहिए ये तय है कि आप जितना आगे बढ़ेंगे आपको खींचने वाले रहेंगे जब आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगी तब बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार आ जाएंगे जिनको आपने जिंदगी में देखा भी नहीं था सक्सेस इज रेलेटि ये ये कोट ना मुझे बहुत पसंद है सक्सेस इज रेलेटिव मोर द सक्स मोर द और जब तक आप अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं जाएंगे वही रिश्तेदार आपकी टांग खींचने भी आएंगे तो आपको डिसाइड करना है मैंने तो क्या क्या नहीं सुना मतलब मैं तो अब यहाँ कहना भी नहीं चाहती मेरे बारे में कितना बुरा बुरा नहीं बोला है बट वही आप किसको फैमिली मानते हो सो इफ योर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फैमिली एंड योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स आर कन्विंस्ड विद वॉट यूर लाइफ उसके आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ की क्या मिस्टेक है मतलब कुछ रिकमेंड करें करें कि मतलब हम ना करें वो मिस्टेक शादी। हाँ। नहीं।, <laughs> नहीं नहीं मैम। कुछ मिस्टेक होती है ना मतलब कॉमन कॉमन मिस्टेक जो लगता है हम कर सकते हैं वो मैम बता दीजिए क्या बट मैं, मैं सही बताऊं मिस्टेक्स करनी चाहिए <laughs> मुझे लगता है हम अपनी शादी करनी चाहिए कोई कोई मिस्टेक ऐसी होती है जिसके <laughs> करने के बाद कुछ खत्म ही हो जाता है तो कुछ फिर तो, तो, तो शादी ही मत कर मैं ना घर में जब झगड़ा हो जाता है ना अपनी पूरा स्टाफ जो जिन लड़कियों की शादी नहीं मेरा गुस्सा खान शादी मत करना तुम लोग कोई किसी को शादी समझ में आ जाता है की आज मूड खराब है हाँ वैसे नई जरूरत है तो नहीं कर वो तू भी चलेगा थैंक थैंक यू यू सो मच जी Thank you.